आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रिहान तारे के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है नैब और एहतसाब, हुकूमत का नया नारा, ऑपोजिशन के पास क्या है जवाब, सानिहा मच, कौन से अनासर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, एपीएससी स्कैंडल, मुकाबले के इम्तिहानात पर सवालिया निशान, क्या कामयाब उम्मीदवार काबिले भरोसा है, क्या रियाया रियासत में खुद को महफूज तसव्वुर करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मैं एनआरओ नहीं दूंगा, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौर के गुजश्ता 2.5 सालों में सबसे ज्यादा मकबूल तरीन जुमला है। एनआरओ नहीं दिया जाएगा, ऑपोजिशन को टफ टाइम दिया जाए, एहतसाब के बयानियों को फरोग दिया जाए। आज एक बार फिर वजीर आजम ने पार्टी की आदत को खसूसी हिदायत जारी कर दी। पार्टी तर्जुमानों के इजलास की सदारत के दौरान वजीर आजम इमरान खान ने ऑपोजिशन को टफ टाइम देने की हिदायत करते हुए कहा है कि पीडीएम फारिग हो चुकी है, अपनी मौत आप मर रही है, हुकूमत को पीडीएम से कोई खतरा नहीं है। ऑपोजिशन की पूरी तहरीक एनआरओ के लिए है जो नहीं दूंगा। इससे कबल अपनी ट्वीट में वजीर आजम इमरान खान ने नैब की परफॉर्मेंस सामने रखी थी और उन्होंने कहा कि रियासती इदारों को सियासी मुदाखलत के बगैर आजादाना तौर पर काम करने की इजाजत हो तो कौम को इसका फायदा होता है। वजीर आजम ने मिसाल देते हुए कहा कि नैब ने हमारे दौर में गुज़श्ता 2 साल में 389 अरब रुपए की वसूली की है, जबकि इसी नैब ने 2008 से 2018 के 10 साल दौर में सिर्फ 104 अरब रुपए रिकवर किए। ये करप्ट हुक्मरानों के स्याह दौर के 10 साल थे। वजीर आजम ने एनआरओ ना देने का आजम कोई पहली बार तो नहीं दोहराया है, बल्कि गुज़श्ता 2.5 सालों के दौरान उन्होंने मुत्ती नारा बुलंद किया है कि वो किसी को एनआरओ नहीं देंगे। जो मर्जी आपने करना आप कर लें, कान खोल के सुन ले के एनआरओ नहीं मिलने लगा, एनआरओ नहीं मिलने लगा, इमरान खान एनआरओ नहीं देने लगा। कोई फायदा नहीं होना है जलसे जुलूस से, कोई किसी को एनआरओ नहीं मिलने लगा, कोई एनआरओ की छूट नहीं दूंगा। किसी हुकूमत ने एनआरओ दिया तो वो इतनी बड़ी इस मुल्क से गद्दारी करेगा कि दुश्मन वो काम नहीं करेगा जो वो हुकूमत करेगी इनको चोरी को माफ करके। अब पार्टी तर्जुमानों और हुकूमती वज़रा को नया टास्क मिल गया है। वजीर आजम की हिदायत और हफ्ते का नया टास्क मिलने के बाद सेनेट से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक हर फोरम पर हुकूमत नैब की कारकर्दगी में रतबुल लिसान दिखाई दे रही है। नैब के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, ऑपोजिशन पर एनआरओ देने के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। अब ये 2 सालों की रिकवरी 389 बिलियन की है और उससे पहले अगर 10 सालों को आप ले लीजिए, 10 सालों में नैब की परफॉर्मेंस और रिकवरी क्या थी वो टोटल अगर लगाया जाए, जिसमें हमारे भी 4 महीने अगर, क्योंकि साल के हिसाब से उसको काटना पड़ता है, तो 104 बिलियन की बनती है। ये बड़ा क्लियर फर्क है जनाबे चेयरमैन। हुकूमत ऑपोजिशन पर एनआरओ मांगने के इल्जामात आयद कर रही है, जबकि ऑपोजिशन का मानना है कि नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से ऑपोजिशन की तरफ से हालिया बयानात क्या है उसकी एक झलक भी आपके सामने रख। एक इदारा बन गया है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो हम सुनते हैं कि किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसको आपको लगाम देनी पड़ेगी। नैब अभी तक कहती है कि जी हमारी कस्टडी में कोई नहीं मरा। असलम मसूद साहब, एजाज मेमन साहब, एडवोकेट जफर इकबाल मुगल साहब, राजा आसिम साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर साहब, मोहम्मद नासिर शेख साहब, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर अमीन साहब, कैसर अब्बास, चौधरी अरशद, मोहम्मद सलीम, प्रोफेसर जावेद अहमद, एक इस इदारे को इतनी इजाजत दे रहे हैं कि लोग वो इस मौके पे लोगों को पहुंचा दें कि वो खुदकुशी कर ले। मैं यहाँ कोई मेरा सियासत का एंगल नहीं है, किसी और को नहीं, मुझे आपके लिए बोला और मैंने आपको ये बताया कि जी हम आपके चेयरमैन को भी देख लेंगे। आप मुझे ये बताएं किस इदारे में ये जुर्रत है जो कहता है कि हम चेयरमैन सेनेट को देख लेंगे। अब एक तरफ वजीर आजम है कि नैब की कारकर्दगी के मुतरफ है, वो नैब की काविशों को अपनी हुकूमत की कारकर्दगी करार दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नैब ने 389 अरब रुपए किससे रिकवर किए, किस मद में पैसे वसूल किए गए, सियासतदानों से कितनी रकम रिकवर हुई है और कारोबारी अफराद ने प्ली बार्गेन के जरिए कितना पैसा लौटाया है। एक बार फिर एनआरओ की रट के जरिए हुकूमत क्या मकासद हासिल करना चाहती है, क्योंकि जब नैब एक्टिव होती है तो हुकूमती वुजरा, हुकूमती रहनुमा उसकी कारकर्दगी, उसकी तारीफें लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सामने आ, पार्लियामान के अंदर उसकी बात होती है, जैसे सेनेट के फ्लोर पर बात की गई है। लेकिन क्या नैब कवानीन में तरमीम हो सकेगी? इस वक्त ऑपोजिशन, जिसकी रिक्वेजिशन पर सेनेट इजलास भी बुलाया गया, वहां पर भी नैब से मुतालिक बात की जा रही है। JUIFA पहले कह चुकी है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से नैब दफातर के सामने एहतजाज करेंगे, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाज करेंगे। अब ऑपोजिशन का लाहे अमल क्या है? क्या नैब कवानीन में तरमीम की बात होगी, तरमीम हो सकती है, या फिर ऑपोजिशन अब चाहती है कि नैब से मुतालिक कोई बात नहीं होगी क्योंकि ऑपोजिशन भुगत चुकी है? सबसे पहले बात करेंगे डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम मांडवी वाला साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा,
इमरान खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नैब की परफॉर्मेंस से मुतालिक बताया, गुज़श्ता 2 साल के अंदर 389 अरब रुपये रिकवर किए गए हैं। क्या अपोजिशन और आप खासतौर पर आपकी रिक्विजिशन के ऊपर आज सेनेट इजलास बुलाया गया, नैब से मुतालिक बात हुई है, आप चाहते हैं कि नैब जो कौम की लूटी हुई दौलत बरामद कर रही है, कौम को फायदा पहुंचा रही है, एहतसाब का अमल रोक देना चाहिए फिर? सर मैं बिल्कुल नहीं चाहता एहतसाब का अमल, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो फिगर दे रहे हैं जो, ये कहाँ से आई है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये करप्शन का पैसा है, कि क्या ये बिजनेसमैनों का पैसा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पैसा है, प्लॉटों की खरीदो फरोख्त का पैसा है, प्राइवेट सोसाइटीज का पैसा है? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, नैब का मकसद है करप्शन टैकल करना, नैब का मकसद ये नहीं है कि जी बिजनेस को डील करना और बिजनेसमैनों को हरासा करना और बिजनेसमैनों को पकड़ के उनसे पैसे देना। आप ये कह रहे हैं कि जो 389 अरब रुपए नैब ने रिकवर किए हैं वो कौम की लूटी हुई दौलत नहीं है, ये लूटेड मनी नहीं है, ये अनफेयर मीन्स से नैब ने रिकवर किए हैं। जी मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये कहां से आए हैं पैसे, ये तो डिटेल देना नैब, ये क्यों नहीं देते वो, ये क्यों कहते हैं कि हमने इतने पैसे रिकवर कर लिए? आपका खर्चा क्या है, ये पैसे कहां से आए? आपका क्या खर्चा है सर, ये पैसे कहां से रिकवर किए नैब ने? ये बिजनेसमैनों के पैसे हैं जी, ये ट्रांजैक्शंस के पैसे हैं, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पैसे हैं, ये प्लॉट खरीदो फरोख के पैसे हैं, ये इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं। और बिजनेसमैन ने ये पैसे आप समझ रहे हैं कि फेयर मीन से कमाए थे और नैब ने अनफेयर मीन से उनसे पैसे ले लिए? देखिए, फेयर एंड अनफेयर मीन से कमाए हैं या नहीं कमाए हैं, ये बिजनेस का, नैब का कब से ताल्लुक हो गया बिजनेस का? सर यानी आप ये कह रहे हैं कि जो मेरा पॉइंट ये है कि नैब का काम है करप्शन को पकड़ना, बिजनेस के अनफेयर मींस और मींस देखना नहीं है। और नैब की जो है दायरा कार में बिजनेसमैन नहीं आता है? बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, आप शहजाद अकबर साहब ने एक और पैगाम भी दिया है, वो कहते हैं कि बात सर लोगों की तो हर फोरम के ऊपर सुनी जाती है, आप अपना ये मौकिफ लेकर अदालत में चले जाए, अदालत भी सुनेगी। मैंने तो कहा है, मैंने तो आज अपने मौकिफ की बात ही नहीं की, मैंने तो कहा मैं अपना केस लड़ूंगा अदालत में और बिल्कुल लड़ूंगा अदालत में, ये आए मेरे सामने अदालत में। नहीं, आप सलीम मानवी साहब, मुझे थोड़ा सा इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी हमारे व्यूवर्स को भी हो जाए कि असल में आप क्या चाहते हैं इस वक्त, यानी सेनेट में जो आपकी रिक्विजिशन पर ये जो इजलास बुलाया गया है, मैं ये चाहता हूं इसका हासिल वसूल क्या होगा? सियासतदान हूं ना मैं, तो लड़ूंगा भी, मैं अदालत में भी जाऊंगा, मैं चाहता हूं प्राइवेट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शुड नॉट बी कॉल्ड नैब एट ऑल। अच्छा, अब मेरा सर बड़ा सादा सा सवाल है सलीम मानवीवाला साहब, बात यह है कि जब नैब सियासतदानों पे हाथ डालती है तो उस वक्त सियासतदान कहते हैं कि नैब पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रहा है, जो सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था, जब बिजनेसमैन को पकड़ती है तो बिजनेसमैन कहते हैं हमें क्यों पकड़ते हैं, हमारा तो ताल्लुक ही नैब के साथ नहीं, तो फिर नैब किसको पकड़े सर, नैब किस लिए है? सियासतदान को पकड़े, सियासतदान कहते हैं कि हमें नैब क्यों पकड़ रही है, नैब हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रही है। नहीं देखें, अगर प्रूव कुछ नहीं कर पाती और बिला वजह उनको अरेस्ट कर रही है तो वो भी गलत है ना। देखें, आप पहले तो मेक श्योर कि आप किसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं उसने कोई करप्शन की है कि नहीं की। आज लोगों ने खड़े होकर ये कहा है, नहीं तो आपको लगता है सर व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना इतना आसान है पाकिस्तान में, खासतौर पर पूरी दुनिया के अंदर व्हाइट कॉलर क्राइम के खिलाफ जंग है और पाकिस्तान में क्या हमारे यहाँ इतनी इफेक्टिव बॉडीज हैं कि वो व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ सकती हैं? तो इसका ये मतलब है कि आप सबको अरेस्ट करें और फिर ढूंढें कि उन्होंने क्या क्राइम किया है, ये कोई जस्टिफिकेशन है? अच्छा, अब ये मामला सेटल कैसे होगा सर, क्योंकि इस वक्त जो पीडीएम की सूरत में एक ऑपोजिशन की तहरीक जारी है, वो कहते हैं कि नैब ऑफिसर्स के बाहर भी एहतजाज करेंगे, कुछ धरना वरना भी होगा, आपको लगता है कि इज इट द राइट वे, और इसी तरह से जो है वो मामला जो है वो हल की तरफ जा सकते हैं? सर मैं तो देखें ये समझता हूं कि इसमें नैब को अपने आप को सही करना पड़ेगा, प्राइवेट इदारों, प्राइवेट बिजनेसमैन, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट कंपनीज से नैब को अपने आप को डिस्टेंस करना पड़ेगा। अगर कोई आता भी है तो उनको कहें जी FBR जाएं, SCCP जाएं, FIA जाएं, एंटी करप्शन जाएं, बहुत इदारे हैं, नैब का काम नहीं है ये। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मानवीवाला साहब आपके वक्त के लिए। डेप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला हमारे साथ मौजूद थे, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा,
आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक ट्वीट की और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जब रियासती इदारे सियासी मुदाखलत के बगैर चलते हैं तो फिर इसका फ़ायदा अल्टीमेटली कौमों को होता है, और उसकी एग्जाम्पल नैब की रिकवरी से दी है कि नैब ने 2 सालों में 389 अरब रुपये रिकवर किए हैं, जो माजी की हुकूमतों के मुकाबले में अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इसका कंपैरिजन ड्रॉ करें तो 2008 से 18 तक सिर्फ 104 अरब रुपए रिकवर किए गए, और पीटीआई अलोन 2 सालों में 389 अरब रुपए रिकवर किए हैं। कैसे देखते हैं इसको? शुक्रिया। पहली बुनियादी बात तो यह है कि यह हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है, जो ऑन ग्राउंड, वो तो नजर आती नहीं, ये तो हुकूमत ट्वीट पे ही चला रहे हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या चाहे प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट के मेंबर्स हों। और फिर वो जो नैब की कारकर्दगी दिखा रहे हैं, ज़रा ये भी देख लें कि नैब की कस्टडी में या नैब की वजह से कितने लोगों ने खुदकुशियां की हैं, कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, इसको भी ज़रा देख लें। और ये जो रिकवरी की बात करते हैं, ये तो स्टेटमेंट की हद तक है, इसका हम चाहते हैं कि फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए नैब का कि नैब ने रिकवर क्या किया है और इतने अरसे में, और नैब ने अखराजात कितने किए हैं इस सारे अरसे में। सही, इनको कहा जब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मैं एनआरओ नहीं दूंगा, आज भी उन्होंने अपने इस अज़्म को दोहराया है पार्टी तर्जुमानों और रहनुमाओं के इजलास में, ट्वीट भी किया है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो आपको नहीं लगता वज़ीर-ए-आज़म क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है, वही एनआरओ तो दे सकते हैं? एनआरओ कौन दे सकता है? और सर, नो, दिस इज अ मिसकंसेप्शन आई टेल यू। एनआरओ की बात जो है, आप एनआरओ का मतलब क्या, नेशनल रिकंसोलिडेशन ऑर्डिनेंस था वो, इनको पढ़ा है इसका मतलब क्या है? फिर बुनियादी बात है, जिसने एनआरओ दिया था ना, वो जनरल मुशर्रफ था, वर्दी में बैठा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त शौकत अजीज था, लेकिन शौकत अजीज के पास इख्तियार नहीं था एनआरओ देने का। आज भी इस पार्लियामेंट की मौजूदगी में इस कठपुतली जो वज़ीर-ए-आज़म है, इसके पास कोई इख्तियार नहीं एनआरओ देने का, और ना ही हम अपोजिशन की जमातें इनसे एनआरओ मांग रही। इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है सवाल जो कर और किससे बात हो सकती है बुखारी साहब? देखिए जी, इन हुक्मरानों से बात नहीं हो सकती, पीडीएम का ये कलेक्टिव डिसीजन है, कलेक्टिव डिसीजन है जो 11 जमातों का काम, इनसे जब वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा दे देंगे तो किससे बात करेंगे? जब कोई फिर जब केयरटेकर सेटअप आएगा तो देख ली जाएगी, फिर एस्टैब्लिशमेंट भी उधर बैठी होगी। That's what my point is. मैं यही तो कह रहा हूँ सर कि जब पार्लियामेंट का इजलास होता है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जिसमें आर्मी चीफ मौजूद होते हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पर तो बात हो सकती है, वज़ीर-ए-आज़म से बात नहीं हो सकती। इस सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म से, इस नाहल से, इस नाकाम वज़ीर-ए-आज़म से, जिसको 2.5 साल दिए, कौम भूखी मर गई है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, लोग बेघर हो चुके हैं, लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा, तो ये जो ट्वीट में गवर्नमेंट चला रहा है, इससे क्या बात हो सकती है? यानी जिनके पास एनआरओ देने का अधिकार हो, उन्हीं से बात हो सकता है। हम एनआरओ हम मांग ही नहीं रहे, ना हमें एनआरओ चाहिए। हम इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे केयर टेकर्स के साथ, जो केयर टेकर्स आएगी और उसके साथ बात हो सकती है। उसके अलावा हम या ये रिजाइन करें, पार्लियामेंट का एक नया जो फेस सामने आएगा, जो नया सेटअप आएगा, बात कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान से या उसकी टीम से बात करने को तैयार नहीं है। साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि इसकी वजह से आप बाय इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें या आप सेनेट इंतखाब कंटेस्ट करें, एक तासुर यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत मजीद मजबूत हो जाएगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी खदशा यह है कि 18वीं तरमीम या फिर वो NFC अवार्ड जो है, ये वाला मामला रोल बैक ना हो जाए। तो आपको नहीं लगता है कि जितना ज्यादा पार्लियामान में जाएंगे, उतना ज्यादा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके हवारियों के हाथ मजबूत करेंगे आप? नहीं, ये देखें, आप ज़रा पास्ट की हिस्ट्री देख लें, जब भी अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च किया तो जब पब्लिक उसके साथ होती है तो सिटिंग गवर्नमेंट को जाना पड़ता, हमने देखा जाते हुए, गवर्नमेंट्स को जाते हुए देखा है। इंशाल्लाह ये ज़्यादा देर इक्तदार में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये नाकाम हो चुके हैं, अवाम इनसे मायूस हो चुके हैं, इनके अपने लोग, जो चंद लोगों ने वोटें दी हैं, आप शहर में जाके देख लें कि अपने लोग कहते हैं कि जी हम ने गलती की है इनको वोट दे के, और इससे वो लोग निजात चाहते हैं। इनका टोटल फेलियर, फॉरेन पॉलिसी टोटल फेलियर। चलिए बुखारी साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट को टाइमलाइन बता दें, जैसे हमने सुना था दिसंबर में हुकूमत जा रही है, फिर जनवरी का सुनते रहे, फिर 31 जनवरी तक की डेडलाइन है, हुकूमत तो खड़ी हुई है, वो कहते हैं कि हमारा आज वाकिफ है जो 31 जनवरी को होगा, ये कैसे जाएंगे और कब जाएंगे सर? देखिए, ये बिल्कुल ये जाएंगे,
इनके लिए हमारी स्ट्रेटजी हमने तैयार कर ली है। उस स्ट्रेटजी पे अमल दरामद करते हुए हमने कभी दिसंबर की बात नहीं की थी। आपने हमारा, मेरा ख्याल है, वो एक्शन प्लान पढ़ा ही नहीं है जो हमने 20 सितंबर को साइन किया था। लेकिन मुखारी साहब, उसके बाद आपका एक बड़ा तगड़ा फेज हुआ ना जलसों वाला, जलसों में पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हमने ऐसा सुना ना, एक पहले दिसंबर की डेडलाइन आई, फिर उसको एक्सटेंड करके अब एक महीना बढ़ा दिया गया कि 31 जनवरी तक हम टाइम दे रहे हैं, आपने पहले दिसंबर का टाइम दिया। आप उस बात को बिलीव करें कि जो हर पीडीएम के सरबराहों की मीटिंग के बाद हम अनाउंस करते हैं, दैट इज आवर ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ पीडीएम। बाकी ये विस्परिंग उस्परिंग की बात, डोंट बिलीव इट। मैं तो उस पर बिलीव करता हूँ कि जो मेरी क्यादत पीडीएम के प्लेटफॉर्म के बैठ के फैसले करती है, हम उस पर यकीन रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिका चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी हमारे साथ मौजूद थे। वजीर आजम इमरान खान अपने इस अजम पर कायम है कि वो किसी को एनआरओ नहीं देंगे, क्योंकि करप्शन के बायस इदारे तबाह हो जाते हैं। करप्ट अफसरान की जगह दयानतदार अफसरान को लाना उनका मिशन है, और इदारों को बेहतर बनाना उनका अज़्म दिखाई दे रहा है। ये वादे माजी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान करते रहे, और शायद यही वो ऐलानात हैं जिन पर वज़ीर आज़म अपनी सियासी जद्दोजहद के 25 सालों से कायम हैं। वो कहते हैं कि वो इदारों को मज़ीद बेहतर करेंगे, मज़ीद मजबूत बनाएंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA पाकिस्तान का वो इदारा है जिसके बारे में कभी कहा जाता था कि ये इदारा ऐसा है जो बाकमाल लोग रखता है, लाजवाब सर्विस रखता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का इस वक्त क्या हाल है, और ये इदारा इस वक्त कितने खसारे से दो, कितना बेहतर है, लोग इस पर कितना एतमाद करते हैं, इसका अंदाज़ा इससे लगाइए कि मैनचेस्टर से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की एक परवाज़ उड़ती है और वो परवाज़ इस्लामाबाद का रुख करती है। इस परवाज़ में गुंजाइश से कम तो नहीं बल्कि इंतहाई कम मुसाफिर मौजूद होते हैं। सिर्फ एक मुसाफिर के साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की ये परवाज़ मैनचेस्टर से उड़ान भरती है और इस्लामाबाद पहुँचती है। वो मुसाफिर क्या कहते हैं, ज़रा उनकी गुफ्तगू आपके सामने रखते हैं। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा इतफाक़ होता है कि हसीन इतफाक़ कह सकते हैं आप, कि मैनचेस्टर से इस्लामाबाद के लिए फ़्लाइट जा रही है और जहाज़ की कैपेसिटी जो है वो 371 है, लेकिन खुशकिस्मत पैसेंजर हैं एक ही कि वही सिर्फ जा रहे हैं और जो है ना बाकी 370 सीटें खाली हैं। तो ऐसा इतफाक़, अंकल जी आप गुजरात से ताल्लुक़ है आपका? जी गुजरात से ताल्लुक़ है इनका, और अकेले हैं सिर्फ, बाकी पूरा जहाज जो है वो खाली। यह हसीन इतफाक गुजरात से ताल्लुक रखने वाले मुसाफिर के लिए तो हो सकता है, और उन्हें यह तासुर भी मिला होगा कि शायद वो प्लेन चार्टर करके जा रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए बहसियत इदारा ये कोई हसीन इतफाक है या नहीं, इसका फैसला आपने करना है। अभी एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि कौन से अनासर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, वो कौन से अनासर हैं जो पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करने का आज़म रखते हैं और दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ पै दर पै करते चले जा रहे हैं। इस मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मादी ज़खायर से मालामाल बलूचिस्तान की धरती एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर है। मच के इलाके गेश्तरी में कोयले की कान पर काम करने वाले 11 मजदूरों को पहाड़ों पर ले जाकर सफाकाना अंदाज में शहीद कर दिया गया। वाक़े पर बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क सोगवार है। मजदूरों के लवाहिकीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। हुकूमत भी इस मामले पर खासी संजीदा दिखाई दे रही है। वज़ीर दाखला शेख रशीद अहमद वज़ीर आज़म के तैयारे पर कोयटा पहुँच चुके हैं, मजदूरों के लवाहिकीन से मुज़ाकरात करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि वफाकी हुकूमत इन दहशतगर्दों को अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएगी। बलूचिस्तान में अगर जायज़ा लिया जाए तो एक टारगेट किलिंग की तर्ज पर दहशतगर्दी का कोई पहला वाकया नहीं है। माजी के वाकयात में साल 2013 में जनवरी के महीने में अलमदार रोड पर खुदकुश धमाके में 100 अफराद जाँ बहक हुए थे, 173 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। हजारा टाउन में फरवरी के महीने में मकामी शॉपिंग सेंटर गुज़श्ता साल देखा गया कि उसको निशाना बनाया गया। इसी तरह बाद में वक्फे से दहशतगर्दी के वाकयात जारी रहे। कोयटा के रवाही इलाके अख्तराबाद विमेन यूनिवर्सिटी और बुलान मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी को निशाना बनाया गया, जबकि मस्तोंग, नोशकी, तफ्तान और ज्यारत में भी इसी नौयत के दहशतगर्दी के वाकयात जो बैक टू बैक देखे गए हैं। कई अफराद जाँ बहक हुए हैं, दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। सवाल पैदा होता है कि इस वक्त बलूचिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर क्यों हैं? सूबे में फिरका वराना दहशतगर्दी के मकासद क्या हैं? दहशतगर्द सूबे को अदम इस्तेहकाम का शिकार क्यों बनाना चाहते हैं? इस वक्त सूबे की जुग्राफियाई अहमियत का जायजा लिया जाए तो CPEC, मादरी जखायर, पाकिस्तान से ईरान और तुर्की तक रेलवे लाइन और फिर गवादर पोर्ट जैसे बैन अलावामी अहमियत के मनसूबों में सूबे का अहम किरदार है। बैन अलावामी सरमाकारी में इजाफे के इम्कान भी हैं। पाकिस्तान दुश्मन अनासर नहीं चाहते कि तरक्की याफ्ता पाकिस्तान और मुस्तहकम बलूचिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। इस वक्त बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम के ताने बाने भारत से मिलते हैं।
कुलभूषण यादव से लेकर मुतअद्दिद दस्तावेजी सबूत पाकिस्तान अक्वामे आलम के सामने पेश कर चुका है। हालिया डूजियर भी पेश किया गया है यूएन में। सूबे में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के पीछे हमेशा भारत का हाथ रहा है। सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी का मुकाबला कैसे कर सकता है। भारतीय कार्रवाइयों का मौसर जवाब देने के लिए पाकिस्तान के पास कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं? अक्वामे आलम भारतीय दहशतगर्दी पर खामोश क्यों है? इन तमाम सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे सीनियर तजिया का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है सर, ये दहशतगर्दी के वाकयात में तसलसल की वजूहात आपको क्या दिखाई देती है जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए होता यह है कि जब काफी अरसे तक कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होती तो अमूमन सिस्टम जो है वो थोड़ा रिलैक्स कर जाता है और इसी असना में दुश्मन जो है वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रहा होता है। वो फिर दोबारा अपने जो उसके जो सेल्स वगैरह पकड़े गए मारे गए लोग उनको रिस्टोर करता है। तो ये इस तरह अप्स एंड डाउन आती है। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि बाहर जो इसके सोर्सेज हैं जहां से चल रहे वो तो खत्म नहीं हुए। हमने जो भी पिछले दिनों डोजियर इशू किया था कोई मेरे ख्याल है 2 महीने पहले जिसमें के भारत के बारे में हमने शवाहद वगैरह दिए थे उसमें आइडेंटिफाई किया था कि 66 टेरर कैंप्स मौजूद हैं अफगानिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे जो के पाकिस्तान में टेररिज्म करवा रहे हैं। अब वो कैंप वहीं मौजूद हैं। ऊपर से हमने थोड़ा रिलैक्स भी कर दिया वहां पे। आपने देखा कि हमने ड्यूरन लाइन के साथ साथ बॉर्डर के साथ वहां पे कुछ बॉर्डर मार्केट्स भी बना दी हैं, क्रॉसिंग साइट्स बढ़ा दिए हैं, लोग आ जा रहे हैं तो उससे भी आप कह लीजिए कि आने जाने वालों में लोग इस तरह के आ जाते हैं। फिर ये है कि लोकली आप देखिए कि वहां पे सिचुएशन पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड है। हमारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने इल्जाम तराशियां वो आर्मी पे ही कर रहे हैं बजाय इसके कि कोई उनकी मदद करे। और नेचुरली फिर इन लोगों में भी बददिली आनी शुरू हो जाती है और वहां पे अफगानिस्तान से लोग आके यहाँ वोट तक डाल जाते हैं इसलिए कि बाज लीडर्स ने फानियों को अपना वोटर बनाया हुआ और उनको वहां पे आईडी कार्ड्स लेके पाकिस्तानी दिए हुए। तो ये सिलसिला कॉम्प्लेक्स है कोई इतना नहीं। फिर ऊपर से समझा जाए कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक्चुअली ब्रीड्स टू दिस प्रोलिफरेशन कि जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अब अजय साहब फिर ये देखिए कि क्या ये समझा जाए कि खत्ते में जो भारत की पसपाई है क्योंकि दाइश की तरफ से इसकी जिम्मेदारी मच वाके की जिम्मेदारी कबूल किया जाना बराह रास्त इसका ताल्लुक भारत के साथ जोड़ता है, बताता है कि इसके ताने बाने भारत के साथ जुड़े हुए हैं, क्या खत्ते में पसपाई का दाग धोना चाहता है भारत या फिर कुछ और मामला है? नहीं, मैं वही एक्सप्लेन करने लगा था कि ये जो यहाँ पे सिचुएशन बलोचिस्तान वगैरह में आपको नजर आती है बलोचिस्तान को डिस्टेबलाइज रखने के लिए है कि यहाँ से सीपैक गुजरता है। सीपैक जो है वो एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम बनी हुई है, अमेरिका भी उसके हक में नहीं, भारत तो नेचुरली हमारी मुखालफत की वजह से बिल्कुल ही पहले दिन से मुखालफत कर रहा है। बाद खलीजी रियासतें भी इसको अपोज करती हैं क्योंकि उनका भी रोजगार बिजनेस जो है वो इसी पे है और अगर यहाँ पे कल ग्वादर डेवलप हो जाता है इस तरह का शहर एक फ्री ट्रेड वगैरह तो आप देखिए उनके लिए भी मसला होगा। तो बहुत सारे अवामिल हैं जो कि यहाँ पे जिनका एक ऐसा मुफाद है जो पाकिस्तान को ये सीपैक की कामयाबी नहीं देना चाहते। दूसरी तरफ अफगानिस्तान का है जहाँ पे ये टेरर कैंप्स मौजूद हैं, उनको फंडिंग भी हो रही है और नाम उनका कुछ रख लें दाइश रख लें या कुछ रख लें, काम तो वही है टेररिज्म उन्होंने करना है। तो अफगानिस्तान में भी ये कर रहे हैं, अफगानिस्तान में भी डिस्टेबलाइज उसको किया हुआ है अफगानिस्तान को क्योंकि ये वहां पे तालिबान के साथ मुदाखलात को कामयाब नहीं करने देना चाहते और यहाँ भी है। तो ये मैं एक पॉलिटिकल इशू भी है कि हमने अफगानिस्तान के साथ कभी ये चीजें उठाई नहीं प्रॉपरली और दूसरी तरफ ये है कि सिक्योरिटी इशू है और हमें नए सिरे से जायजा लेना चाहिए कि ये इसको कंट्रोल करने के लिए क्या एक नए ऑपरेशन की जरूरत है या यहाँ पे कोई सिक्योरिटी वगैरह आपने बॉर्डर्स के साथ ज्यादा बढ़ानी है। हमने फेंसिंग की थी लेकिन उसके बावजूद हमने क्रॉसिंग साइट बढ़ा दिए उनके। इसके साथ तो साथ अफगानिस्तान से मामला किस कदर लिंक्ड है क्योंकि आपको पता है कि दाइश का जो हेडक्वार्टर रीजन के अंदर वो भारत से ऑपरेट होता है और फिर दाइश की कुछ कार्रवाइयां अफगानिस्तान के अंदर और फिर अफगानिस्तान के बाद अब उसका रुख यहां पर होना तो दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग और कितना लिंक्ड है उस बॉर्डर के साथ और हमसाया मुल्क के साथ। देखिए अफगानिस्तान से लिंक इसलिए है कि भारत से तो वो ट्रांसपोर्ट करते हैं बायर वगैरह लोगों को लेके चले जाते हैं वहां पे, ये वाया दुबई होता है काम और फिर वहां से ऑपरेट तो अफगानिस्तान से ही करते हैं। ये चूंकि हमने उस डोजियर में भी आइडेंटिफाई किया तो ये 66 कैंप बहुत बड़ी तादाद है और उसमें टीटीपी के लोग भी हैं, दाइश के लोग भी हैं,
और हर तरह का वहां से टेररिज्म वहां पे ओरिजिनेट हो रहा है और भारत वहां पे उनको पैसा है। बल्कि हमने उसमें डोजियर में यह भी आइडेंटिफाई किया था कि जितने भी स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं भारत ने उनको पैसा लगा के इकट्ठा करके तो एक उनका बड़ा टीटीपी का एक बड़ा ग्रो बना दिया और उनको अब वहां से डायरेक्शंस दी जा रही। तो ये लिंक तो वही है और सीपैक जो है वो इस वक्त ऑब्जेक्टिव बना हुआ है इन फोर्सेस का जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी है। सब हालिया दौर में ईयू डिसइन्फो लैब की रिपोर्ट ने भारतीय चेहरे से नकाब हटाया, जैसे आप बता रहे हैं हमने डोजियर भी पेश कर दिया, अब फिर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बार बार ये बताते हैं कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ फिफ्थ जनरेशन वॉर या हाइब्रिड वॉर की स्टेट में है और भारत इसको फरोग दे रहा है। जैसे सर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि इस हाइब्रिड वॉर को काउंटर करने के लिए या फिफ्थ जनरेशन वॉर को काउंटर करने के लिए इस वॉरफेयर को हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी है और अभी तक हम कितने कामयाब हुए हैं? देखिए पहले तो ये है कि इंटरनल यूनिटी हो कि सारे लोग इस चीज को तस्लीम करें कि वाकई हम टारगेट हैं फिफ्थ जनरेशन वॉर का या हाइब्रिड वॉर का। वो यहाँ पे ऑपोजिशन इसको नहीं मानती, वो तो आपने देखा है कि अगर उनको ये कहा जाए कि टेरर थ्रेट है तो वो परवाह नहीं करते, वो कहते हैं जी ऐसे ही हमें तो कहा जा रहा है। तो दूसरा ये है कि फिफ्थ जनरेशन वॉर का जो एक्टिव कंपोनेंट एक्टिव एलिमेंट है वो आपकी ऑपोजिशन खुद बनी हुई है। जब आप अपनी डिफेंस फोर्सेस को टारगेट करना शुरू करते हैं तो एनिमी यही तो कर रहा है, आपको नैरेटिव्स मुहैया करके वो लोगों के, एक्चुअली ये नैरेटिव्स की वॉर होती है और लोगों के ज़हनों को इफेक्ट करना होता है। जब आप उनके माइंड पॉल्यूट कर देते हैं या उनको माइंड्स के ऊपर कब्जा कर लेते हैं देन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, वो अपने नैरेटिव आपके नैरेटिव को खुद दे के आगे चलते हैं और वो फैलाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके ज़हन ने कबूल कर लिया हुआ है। तो ये चीज़ तो आपकी ऑपोजिशन कर रही है खुली। शेख रशीद साहब, आप वज़ीर दाखला वज़ारत दाखला का कलमदान उनके पास है, वो बार बार कह चुके हैं कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी है उसमें कुछ सियासतदान हैं जिनकी जिनको हाई रिस्क पर है, थ्रेट अलर्ट्स भी दे चुके हैं। आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल करीब के अंदर, खुदा ना खास्ता अगर ये कार्रवाइयाँ इसी तरह से बढ़ती हैं तो फिर आप क्या देख रहे हैं? देखिए कार्रवाई तो बढ़ेगी लेकिन इसमें सबको जिम्मेदारी का सबूत देना होगा और खुद हमारे अपने लोग जो हैं इनको अपोजिशन को राय रास्ते पे लाना होगा। मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि यहाँ पे मौलाना फजल रहमान के भाई, उन्होंने तकरीर की पार्लियामेंट के अंदर और उन्होंने कहा जी कि ये ज़्यादा टेररिज्म जो है ये तो ये फौज करा रही है, जनरल करा रहे हैं। इसी तरह का महमूद अचकजई भी बयान देता रहता है, कभी किसी ने मुंह नहीं तोड़े इन लोगों के, पकड़ा ही नहीं इनको कि लाओ भाई सबूत लाओ अगर तुम कोई ऐसी बात कर रहे हो, इनको तो जेलों में होने चाहिए इन चीज़ों के। लेकिन होता ये है कि ये दंदनाते हैं कहते हैं और हम लोग सारे बेहिस हैं, पाकिस्तान में अवाम बेहिस हैं, वो कुछ नहीं इन चीजों को बल्कि उल्टा इन पे यकीन करके आगे चल पड़ते हैं। तो वो ठीक है, फिर जो मुकद्दर है इस मुल्क का वही हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब हमारे साथ मौजूद थे। या एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि चोरी के पर्चे पर बने अफसर चोरी कैसे पकड़ेंगे, बड़ा अहम मामला है। पीपीएससी के अंदर जो बेजाबतगियां पाई गई हैं, पर्चे लीक कैसे हुए, उनके जो मरकजी किरदार हैं वो भी पुलिस हिरासत में, इस अहम मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। हर नौजवान की ख्वाहिश होती है कि वो मुकाबले का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास करके अफसर बने। नौजवानों को उम्मीद होती है कि मुकाबले के इम्तिहान में रिश्वत, सिफारिश और पर्चे सिस्टम का अमल दखल नहीं होता है, मेरिट पर नौकरी मिलती है। शायद यही वजह है कि जहीन अफराद बिला इम्तियाज मुकाबले के इम्तिहान में कामयाब होते हैं। इस हवाले से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक आज़ाद और गैर मुतनाज़े इदारा समझा जाता है। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि दीगर सूबों के सर्विस कमीशन भी गैर जानबदारी और मेरिट का इस्तारा समझे जाते हैं। 2 जनवरी को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जेरे एहतमाम तहसीलदार की 58 आसामियों के लिए 1,04,000 उम्मीदवार पर्चा देने के लिए पहुंचे। इम्तिहानी हॉल पर लगा एक नोटिस उनका मुंह चढ़ा रहा था। नोटिस के मुताबिक नागुजीर वजूहात के बिना पर पर्चा मुलतवी किया गया था। शदीद सर्दी और धुंध में इम्तिहानी सेंटर पहुंचने वाले नौजवानों के दिल गोया टूट से गए। इंतजामिया ने पहले मौके पर इख्तियार किया कि पर्चा कोरोना के बायस मुलतवी किया गया है, बाद अज़ा दलील पेश की कि शदीद धुंध और सर्दी के बायस इम्तिहान का इनेकाद मुमकिन नहीं है, इसलिए इम्तिहान के लिए जल्द ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। बाद हजार एक बड़े इंकशाफ ने हजारों नौजवानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने दावा किया कि नायब तहसीलदार का पेपर आउट हो चुका है। इस जुर्म में गजनफर, वकार अकरम, गौहर अली और मजहर अब्बास को स्टिंग ऑपरेशन करके गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान में से सिविल सेक्रेटेरिएट और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मुलाजमी भी शामिल है। स्टिंग ऑपरेशन का अहवाल खुद डायरेक्टर एंटी करप्शन ने अपनी जबानी में बताया। वो क्या कह रहे थे
उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। गाड़ी की जब हमने तलाशी ली तो उसमें से एक USB बरामद हुई और उसमें से वो पेपर निकला जो 9:30 बजे आना था तहसीलदार वाला। जितना वर्दी सीनियर अफसर हो अगर उसका कोई रोल निकला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मुलजमान ने बाद 12 असामियों के पर्चे आउट करने और उनके जरिए पैसे कमाने का एतराफ भी किया। मुलजमान कैसे कार्रवाइयां करते रहे, मुलजमान की जुबानी आपको यह अहवाल दिखाता है। अब इसे स्कैंडल के सामने आने के बाद अल्फाज खत्म हो चुके हैं। नौजवानों के शकों को शुभात यकीन में बदल गए। सिफारिशी कल्चर, रिश्वत और पर्चे सिस्टम ने नौजवानों की उम्मीदों का गला घोंट दिया है। नौकरियों के हवाले से सर्विस कमीशन एक गैर मुतनाज़े इदारा समझा जाता था, लेकिन लग रहा है कि यह भी रिवायती रंग में रंग गया है। सवाल पैदा होता है कि गिरफ्तार मुलजमान ने 12 असामियों के पेपर आउट करने का जुर्म तस्लीम किया है, क्या इन 12 असामियों पर दोबारा इम्तहान लिया जाएगा? सर्विस कमीशन में भर्तियों का अमल मशकूक है, तो क्या भर्ती होने वाले अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है? क्या वो भी मशकूक हो गए हैं? उनकी साख पर भी सवालात उठ रहे हैं। जो अफसरान रिश्वत के जरिए नौकरी हासिल करते हैं उनकी महकमे और नौकरी के साथ वफादारी कितनी काबिल एतबार हो सकती है? ऐसे ही अनगिनत सवालात हैं। आज नौजवानों के जहन में ये सवालात मौजूद हैं और इन सवालात का जवाब तलाश किए बगैर रियासत पर नौजवान बहाल नहीं हो सकेगा। या एक ब्रेक लेंगे। अहम मामला है, यकीनन इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और इससे पहले जो कुछ हो चुका है यकीनन उसको भी इंटेरोगेट करना चाहिए, क्योंकि इन सवालात के जवाब आएंगे तो तभी वो नौजवान जो इस वक्त मुस्तरब दिखाई दे रहे हैं, बेचैन हैं, बेकरार हैं, उनको जवाब मिल सकेंगे और वो तभी मुतमईन हो सकेंगे। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर सवाल करेंगे कि क्या आप रियासत में खुद को महफूज तसव्वुर करते हैं? इस अहम मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मेरे रियासत, आज आपके दरबार में एक आम पाकिस्तानी यानी आपकी रियाया अपना मुकदमा लेकर हाजिर है। वही रियाया जिससे आईने पाकिस्तान के जरिए रियासत ने तमाम हुकूक देने का वादा कर रखा है। वही रियाया जिसके तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी रियासत के सर होती है, जिसे आइन तहफ्फुज़ और आज़ादी का यकीन दिलाता है। लेकिन मेरे रियासत उसी आइन के होते हुए उसी रियासत में सानिया साहिवाल में बच्चों के सामने वालदैन को गोलियों से भून दिया जाता है। उसी रियासत में ज़हनी मफलूज सलाहुद्दीन को लॉकअप में मार दिया जाता है। उसी रियासत में पुलिस नाकों और तारीख गलियों में बेगुनाह शहरियों को कत्ल किया जाता है। लेकिन मेरे रियासत तब भी सवाल उठता है कि रियासत का आइन कहाँ है? क्या पुलिस आइन से मुबर्रा है? वक्ती तौर पर वादे किए जाते हैं, जुडिशल कमीशन बनते हैं, फिर मजलूमों को जालिम करार दे दिया जाता है। मेरे रियासत, इस्लामाबाद में उसामा नदीम सत्ती को महज इस बुनियाद पर गोलियों से भून दिया गया कि उसने गाड़ी नहीं रोकी। मेरे रियासत, आइन और कानून कहता है कि अगर कोई मुजरिम या दहशतगर्द है तो उसे रोकें, लेकिन उस वक्त तक गोली ना चलाएं जब तक उसकी जानिब से मजामत ना की जाए। लेकिन उसामा सत्ती ने तो मजामत नहीं की, उसकी गाड़ी के टायर्स पर फायर की बजाय मासूम सीने पर गोलियों क्यों चलाई गई? मेरे रियासत, उसामा सत्ती के वालिदैन और दोस्तों के दुख का इदराक अगर रियासत को हो जाए तो मुस्तकबिल में शायद ऐसे वाकयात से बचा जा सकता है। मेरे रियासत, एक बार फिर रियासत ने इंसाफ दिलाने का वादा किया है। बहुत ही अफसोसनाक वाकया, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम। फैसला तो अदालतों का है, जो हमारे पास आखिरी उनको सजाए मौत तक पहुंचाने के दफात थे वो सारे के सारे पांचों के पांचों लगा दिए। मेरे रियासत, आपने और आपके मुशीरों ने सानिया साहिवाल के बाद भी ऐसे ही वादे किए थे, लेकिन वो वादे तो आज तक पूरे नहीं हो सके। वो वादे क्या थे उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। और ये साहिवाल सानिया, मैं आपको बताता हूँ, बेहसियती ट्रेजरी बेंचेस, मैं कौम को यकीन दिलाता हूँ कि अगर कोई भूलेगा भी, हम भूलने नहीं देंगे, हम भूलने नहीं देंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे। जो भी इसमें उन लोगों से कड़ी से कड़ी सजा देंगे। लेकिन मैंने जान अल्लाह को देनी है और आज मैं इस ऐवान पे कहूंगा, चाहे मुझे इस ओहदे से इस्तीफा देना क्यों ना पड़े, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वी विल मेक देम एन एग्जांपल व्हिच द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान विल रिमेंबर फॉर एजेस इंशाल्लाह। अगर कोई बात नहीं होती तो आप बात करते, शहरयार आफरीदी की तकरीर के बाद अब बात करने को रह क्या जाती है, मुराद सईद की तकरीर के बाद क्या बात रह जाती है, जब हम कह रहे हैं कि हम इस वाकये को दबने नहीं देंगे। ये वाकया हमारे लिए भी एक मिसाल है और हम इसके कैफर किरदार उन लोगों को पहुंचाएंगे, उनको इबरत की मिसाल बना देंगे। मेरे रियासत, वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान, रियाया से माजी में किए गए वादे तो पूरे नहीं हुए, शायद यही वजह है कि अब रियाया और रियासत के दरमियान एतमाद में कमी दिखाई दे रही है। इमरान खान की तब्दीली खे होनी, गरीब भुखा मरन दिया वा, इन्होंने ज्यादती की थी उस बच्चे दे नाल। सानिया साहिवाल देख लें या उसके बाद उसामा वाला सानिया देख लें, हमेशा मासूम और बेगुनाह लोग जो हैं वो इसका शिकार हुए हैं। पुलिस ने जो ये गलत हरकत की है इसकी सजा मिलनी चाहिए उन्हें। पुलिस वाले अक्सर ज्यादती करते हैं, बाद में माफ़ी मांगते हैं, इनको चाहिए कि ये कंट्रोल करें। इमरान खान साहब को भी चाहिए
कि पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। मारते हैं, ठीक है, बिला वजह तंग करते रहते हैं। नए पाकिस्तान में गुंडागर्दी पुलिस की नहीं ख़त्म हुई, क्योंकि आए दिन बहुत मसले बढ़ गए हैं। पाकिस्तान जो सा गुंडागर्दी मजीद बढ़ गई है, ज़्यादा बढ़ गई है, कोई नया पाकिस्तान नहीं बना, ठीक है, गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ गई है। सानहे के बाद एक और सानहा रूनुमा हो जाता है, लेकिन मीरे रियासत आपकी हुकूमत के बयानात नहीं बदल रहे हैं। अब भी रियाया वादों और नारों के दरमियान फंसी हुई है। अंधी गोलियों का निशाना बनने वाली लाशें आखिरी सांसों में भी शकवा कर रही होती हैं कि कानून की अमलदारी कब होगी, आइन की हुक्मरानी कैसे होगी। यकीनन ये वो सवाल है जिसका जवाब आपकी हुकूमत और आप खुद दे सकते हैं। ये तो था आज का दस्तक, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल।